राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर व्यापारी से लाखों रुपए की वसूली करने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही पूर्व मिसेज प्रियंका चौधरी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश का यह आदेश आरोपी प्रियंका की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिया गया। अदालत ने कहा कि प्रकरण में अनुसंधान लंबित है, ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। आरोपी की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है, इसके अलावा उससे कोई पूछताछ और बरामदगी भी शेष नहीं है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पर व्यापारी से 50 लाख रुपए से अधिक लेने का आरोप है। उसने पीड़ित को हनी ट्रैप में फंसाया और फिर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर रुपए और भूखंड मांगा। वहीं पुलिस ने अनुसंधान पूरा नहीं किया है, इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने आरोपी महिला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि व्यापारी घासीलाल चौधरी ने गत 3 जून को श्याम नगर थाने में आरोपी महिला के खिलाफ ब्लैकमेल और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।